अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूँ इकरा मलिक। और आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है बॉडी शॉप की टी ट्री रेंज। और बॉडी शॉप की टी ट्री रेंज किस कदर इफेक्टिव है और इसके कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको बाय करने चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे पास इस टाइम जो बॉडी शॉप की रेंज मौजूद है उसमें है टी ट्री का, ये है फॉर्मिंग क्लेंजर, और उसके बाद ये है मैटिफाइंग टोनर, और उसके बाद है ये फेशियल वॉश, और ये है बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल, और ये है बॉडी शॉप का मास्क। इसके बारे में मैं बात करूंगी सबसे पहले इनको रैंक करके कि सबसे जो फॉरमोस्ट चीज़ है जो मुझे इसकी अच्छी लगी है या फिर जो बाय करनी चाहिए आपको, क्योंकि जो इनकी टी ट्री रेंज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बॉडी शॉप वैसे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है ब्रांड है, तो इसकी जो टी ट्री रेंज है वो काफ़ी महंगी है। इसका एक मास्क जो है वो 2500 तक का आता है। इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो है बॉडी शॉप के क्लेंजर की। क्लेंजर आप जो किसी भी प्रोडक्ट का है अगर आपने एक बार में अच्छा बाय कर लिया है तो वो आपकी स्किन को सूट करता है, उस हिसाब से आपकी स्किन को किस कदर नीड करता है, किस कदर डस्ट जो इम्प्योरिटीज होता है वो दूर करता है। उसके बाद आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई तो नहीं कर देता, आपकी स्किन खिंची खिंची तो नहीं लगती है, या फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है, क्योंकि जो कुछ क्लेंजर होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होती है उनकी कंसिस्टेंसी, तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपकी स्किन के साथ। तो ये बॉडी शॉप का जो ये क्लेंजर है, फॉर्मिंग क्लेंजर है, इसको मैंने जब यूज़ किया तो मुझे ये बड़ा स्मूथ सा लगा। आपकी स्किन को हल्का सा आपको नरिश भी रखता है, उसके बाद एक हल्का सा नेचुरल आपको ठंडक सी महसूस होती है स्किन में, और लगता है कि कुछ आपके पोर्स में से गंदगी वो सारी नीट हुई है। और ये थोड़ी से जो ये इसका जो क्लेंजर है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये हल्का सा ये इस तरह से फॉर्मिंग ये है क्लेंजर। जो अब आप इसको जब फेस पे अप्लाई करते हैं तो इस तरह से ये फॉर्म के में आपकी स्किन पे ऐसे करते हैं, जैसे झाग बनती है वैसे ही फेस पे अच्छी तरह से स्किन को क्लेंज कर देता है। जैसे आप मुंह पे साबुन या भी कोई भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं, उसके बाद जब आप स्किन को धोते हैं तो वो एक अच्छा सा नीटनेस और एक फ्रेशनेस फील होती है ना आपको, जब बहुत ज्यादा गर्मी या हीट के बाद आप अपना फेस वॉश करते हैं तो ये एज इट इज वैसे ही फील देता है। तो मेरे हिसाब से जो नंबर वन मेरे लिए आपको प्रोडक्ट, अगर आपकी स्किन ऑयली एक्नी प्रोन है तो आपको टी ट्री का ये क्लेंजर लाजमी बाय करना चाहिए। अगर आप किसी अच्छे प्रोडक्ट को देख रहे हैं अपनी स्किन के लिए तो ये टी ट्री का जो क्लेंजर है, फॉर्मिंग क्लेंजर। इसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, वो है बॉडी शॉप का मैटिफाइंग टोनर, और ये मुझे दी बेस्ट लगता है सब टोनर में से। जब जितने भी मैंने ट्राई किए हैं अच्छे ब्रांड के या लोकल के, जो मुझे मेरा सबसे फेवरेट है वो है बॉडी शॉप का टी ट्री मैटिफाइंग टोनर। ये कुछ इस तरह से करता है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ पाउडरी फॉर्म में गए, तो जब आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करते हो तो आप कॉटन की मदद से जब अपने फेस को साफ करते हो तो लिटरली आपके फेस से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है, और पता लगता है कि आपके पोर्स में से कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ हैं, जो डस्ट है वो सारी रिमूव हो रही है। और सेकेंड थिंग ये, जब ये आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो हल्की सी जैसे टिंकलिंग हो रही होती है, तो लग रहा होता है कि टेम्परेरी तौर पर ही, लेकिन आपके जो पोर्स हैं वो आपको श्रिंक होते हुए महसूस हो रहे हैं, थोड़ी सी जलन हो रही है या ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सबसे बेस्ट है आप अगर टोनर, अगर आपकी स्किन रियली एक्नी प्रोन है, आपके फेस पे अगर जो एक्टिव एक्नी है वो नहीं है और लेकिन पोस्ट एक्नी मार्क्स वगैरह हैं, उसके लिए भी ये टोनर बेस्ट है। उसके अलावा क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है, टी ट्री जो है एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो उस वजह से जैसे कोई गंदा ब्रश या फिर पफ इस्तेमाल करने की वजह से आपके फेस पे कोई एक्नी हो रही है तो उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन कोई एक्टिव एक्नी है उसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट है अपने फेस पे बहुत ज़्यादा रब ना करें, बहुत ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट जो है, बहुत ज़्यादा फेशियल वगैरह जो आपके हाथों से आप करते हैं वो बिल्कुल यूज़ ना करें। हो सके जितना आप अपनी स्किन को रेस्ट दें, पानी ज़्यादा लें अगर कोई इंटरनल इशू है, उसके अलावा अगर कोई इंटरनल इशू नहीं है, उसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी या फिर वैसी ऑयली स्किन है तो आपको ये जो टी ट्री रेंज है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की, वो बेस्ट होती है। सो टोनर वैसे भी हमारे रहते हैं, उसकी वजह से डस्ट जो भी होती है हमारे फेस में जाती है, तो एक्ने के जो चांसेस होते हैं वो बॉडी शॉप का टी ट्री, और ये है मास्क। आप देख सकते हैं इसकी जो स्मेल है इन तीनों चीज़ों की वो कोई इतनी खास नहीं है, इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जो टी ट्री रेंज यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि ये एक इनकी खास मखसूस सी स्मेल होती है,
बट आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है इनकी ट्रीटमेंट रेंज. और ये किसी तरह का आपकी स्किन को हार्म नहीं करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसका. और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि ट्रीट बॉडी शॉप की जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल फारिग है, आपकी स्किन के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं. तो डिपेंड करता है आपकी स्किन पे सूट क्या कर रहा है. अगर आपकी स्किन पे कोई चीज़ नहीं सूट कर रही है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो मेरी स्किन पे सूट कर रहा है वो एज इट इज आपकी स्किन पे सूट करे. मास्क है, दिस इज गुड, मगर इतना कोई खास नहीं है. जैसे नॉर्मल एक मास्क होता है जिसके लगाने के बाद आपकी स्किन जरा फ्रेश हो जाती है, वैसा ही है, टीट्री है. लेकिन इसका जरा इस तरह से है कि आपकी स्किन को ज़्यादा जो खिंचा खिंचा सा हो जाती है, स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है, वैसे नहीं होने देता है. हल्का सा मॉइस्चराइजर जो है वो आपके फेस पर रखता है और उस हिसाब से ब्लैमिश स्किन जितनी भी है उनके लिए टीट्री रेंज जो है वो बेस्ट है. अगर आपकी स्किन पे पोस्ट एक्ने मार्क्स हैं, अगर दानों के निशान वगैरह हैं, तो वो कोई भी रेंज है अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उनको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के हिसाब से जो आपको सूट कर रही है, तो आपकी स्किन के जितने भी स्कार्स वगैरह हैं उनको कम करने में बहुत हेल्प करता है. आप कोई भी रेमेडी, होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन को सूट कर गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करेगा. और मास्क आप कोई भी ले सकते हैं, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी महंगा भी है और हो कि बहुत ज़्यादा मैजिकल मास्क हो वैसा कुछ नहीं है इसमें, जस्ट नॉर्मल मास्क है. इसको मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी डिशॉप की टी ट्री ऑयल की तरफ. और इसको मैं लास्ट पे बता रही हूँ, लेकिन ये मोस्ट दी बेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी शॉप का. अगर आपकी स्किन पे किसी तरह की भी एक्नी है, आपकी एक्टिव एक्नी है, या फिर उसके बाद एक्नी मार्क्स हैं, कुछ भी है आपके, इवन आपके फेस पे कोई भी किसी भी तरह के बुरे वाले पिंपल्स भी हैं आपके फेस पे, तो आप सिर्फ बॉडी शॉप का पर्सनली रिकमेंडेड है टी ट्री ऑयल जो है वो आप इसको लाजमी लगाएं. और आप इसको डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं करें, इसके बारे में मैंने अलग से रिव्यू दिया है, वो लाजमी देखें. और इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपको आपकी एक्नी उस तरह से ही एक्टिव है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. बहुत सारे टी ट्री ऑयल्स हैं लेकिन अगर आपने पैसे खर्चने हैं तो आप बॉडी शॉप के टी ट्री ऑयल पर खर्चें तो ये बहुत बेस्ट है. और उसके बाद आते हैं बॉडी शॉप के फेस वॉश, फेशियल वॉश की तरफ. ये जो फेशियल वॉश है, वैसे मैं फेस वॉश को ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती. वॉश मैंने कभी इस्तेमाल करना हो, बाहर जाते हुए बैग में रखा हो तो उस हिसाब से यूज़ कर लिया, लेकिन डेली बेसिस पे फेस वॉश नहीं यूज़ करती. आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं अगर, और एक्नी है तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है, तो मुझे बहुत डर लगता है फेस वॉश यूज़ करने से. मैं सादे साबुन से मुंह धोती हूँ, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं अभी और मुझे अगर फेस वॉश इस्तेमाल करना पड़े तो मैं या तो क्लीन एंड क्लियर का यूज़ करूँगी या फिर बॉडी शॉप यूज़ करूँगी. ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन मैं फिर से कहूँगी अगर आपकी एक्नी प्रॉन स्किन है तो ये फेशियल वॉश जो है ये भी आपके लिए बेस्ट है. और इन सारी रेंज में से जो वर्स्ट प्रोडक्ट मुझे लगता है, वर्स्ट नहीं मोस्ट लीस्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है वो भी बेस्ट लगता है, वो लगता है इसका ये 3-in-1. इसका कोई खास कोई फर्क नजर नहीं आता. ये एक थोड़े सी अमाउंट में यूज होता है और आप इसको उस तरह से यूज करते हैं जैसे आप नॉर्मल क्लेंजर यूज करते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नजर नहीं आता. और इसके अलावा जो टी ट्री रेंज है वो बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन पे ब्लैमिश स्किन है, जिनकी स्कार्स हैं, जिनकी स्किन पे दाग हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कवर करने की कोशिश करता है. और टी ट्री रेंज जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इनकी, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपनी स्किन पर करना चाहते हैं. बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो बॉडी शॉप की कोई भी प्रोडक्ट है वो स्किन के लिए कुछ नहीं करती है, लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशन है मेरी और जो मैंने अभी बताई है, जो मैंने यूज़ की है, यूज़ करने के बाद ही मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आपके साथ. बात ही हमारा चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है. अल्लाह हाफिज़.